तो दोस्तों, अगर आपने सिस्ट रिमूव किया है तो कौन कौन से केयर करना है और नेक्स्ट 5 to 7 days आपको कैसे ध्यान रखना है उसके बारे में ये वीडियो है। तो मोस्ट ऑफ टाइम जब हम सिस्ट रिमूव करते हैं तो उसके बाद में ये कंडीशन रहती है, इसमें हल्का सी सूचर्स होते हैं और ये सूचर्स मोस्ट ऑफ टाइम 7 to 10 days के बाद में रिमूव किए जाते हैं। ओके, आपको एक एंटीबॉडी दी जाएगी, उस एंटीबायोटिक को 5 to 7 days के लिए आपको लेना है, जिससे डॉक्टर आपको बताते हैं। कुछ मेडिकेशंस और भी होती है जो स्वेलिंग को कम करने के लिए होती है या फिर पेन को कम करने के लिए होती है। तो ये आपको 5 to 7 days जैसे आपके डॉक्टर बोलते हैं उसको लेना है। केयर में सबसे बड़ी बात आती है कि डॉक्टर इसको वॉश करना कि नहीं करना चाहिए। हमें देखिए, आप इसको 1 से 2 दिन के बाद उसको अच्छे से वॉश कर सकते हैं। ओके, वॉश करने से क्या होता है कि आपका जो बैक्टीरियल कॉलोनीज होती है साफ हो जाती है, नॉर्मल जो सोप वाटर है उसे आप वॉश कर सकते हो। ध्यान रहे कि जो सूचर है वो ज्यादा कह सकते हैं कि रिमूव नहीं हो, और यू कैन जेंटली क्लीन द सूचर्स एंड एवरीथिंग, और उस एरिया पे सोफ्रामाइसिन या फिर म्यूपियो एंटमेंट या फिर कोई भी एंटीबायोटिक जो टॉपिकल एंटीबायोटिक आपके डॉक्टर दे रहे हैं उसका अच्छे से यूज कर लीजिए। आप चाहो तो उसको ओपन कर सकते हो या फिर एक कच्ची पट्टी उसके ऊपर लगा सकते हो, ताकि वो ज्यादा कह सकते हैं कि आपके स्किन पे ज्यादा टच नहीं हो आपका, अगर आप कपड़ों में ज्यादा टच नहीं हो, ठीक है, तो ये कर सकते हो। सेकंड बात ये होती है कि इसके इस एरिया के ऊपर ज्यादा आपको कह सकते हैं कि टेंशन नहीं देना है या प्रेशर नहीं देना है। अगर प्रेशर टेंशन देते हैं तो सूचर रिमूव होने के चांसेस रहते हैं और उसके जो हीलिंग है उसमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो अगर आपके बैक पे है तो आप उसको कोशिश करो कि आप अच्छे से आप लेट पाओ, ओके, रात को सो पाओ और ज्यादा उस पर प्रेशर नहीं हो। अगर पेन ज्यादा होता है तो उस कंडीशन में डेफिनेटली आपको एक बार डॉक्टर से डिस्कस करना चाहिए, या फिर आप कभी कभार 1 या 2 मेडिसिन एक्स्ट्रा आप ले सकते हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ मेडिकेशन दे आर सेफ। अगर आपको लगता है कि कहीं कुछ ब्लीडिंग वगैरह हो रही है तो आप जेंटल उसको प्रेस कर सकते हैं, उससे क्या होगा कि उसमें कुछ ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ, अगर आप देखते हो कि वहाँ पे कोई सूचर वगैरह जो टांका लगा है वो अगर रिमूव हो गया है तो डेफिनेटली आप डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ताकि डॉक्टर आपको फिर से वो टांका लगा दे। सो मोस्ट ऑफ टाइम डॉक्टर अच्छे से इसको करते हैं, टाइटली आप कह सकते हैं कि आपका सूचरिंग करते हैं। सो मोस्ट ऑफ टाइम ऐसा होता नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत ब्लीडिंग होती है तो भी इसमें चिंता नहीं करना, यू कैन सिंपली गोज, यू कैन प्रेस ऑन दैट एरिया। तो इस तरह से आपको केयर करना है। और अगर हम बात करें सूचर रिमूवल की, तो जहाँ पर ज़्यादा टेंशन होता है तो उस कंडीशन में तो 7 to 10 days के बीच में आपका सूचर रिमूव किया जाता है। लगता है जैसे फेस वाले एरिया हो गया, ये सिस्ट बहुत छोटी है जहाँ पर ज़्यादा प्रेशर वगैरह नहीं है, तो उस कंडीशन के अंदर आपके डॉक्टर हैं वो 7 days के अंदर आपके सूचर रिमूव कर देंगे। 7 days में सूचर रिमूव होने के बाद में वहाँ पे हल्का सा रेडनेस रहता है, ये सूचर रिमूवल के थोड़े से टांके के निशान रहते हैं, लेकिन वो समय के साथ में आपके चले जाते हैं। 1 से 2 सप्ताह या 3 सप्ताह बाद में जब लगता है कि काफ़ी हील हो गया वहाँ पे, तो उस कंडीशन में आप सूचर के जो कह सकते हैं जो स्टिचेज होते हैं या फिर जो उसका सर्जिकल निशान होता है उसको ठीक करने के लिए, स्कार को ठीक करने के लिए कुछ क्रीम्स आपको डॉक्टर दे सकते हैं। तो उसके बाद में आपका जो सर्जिकल निशान होता है उसका काफ़ी कम होने का चांसेस रहता है, स्कारिंग काफ़ी कम होने का चांसेस रहता है उसमें, राइट दोस्तों। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है अपने सिस्ट के रिमूवल के बाद में। हाँ, कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिए, मैं उसका रिप्लाई करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।